गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आज डे 79 है मेरी ब्रह्मचर्य जीवन का, मतलब नो फैब जीवन का। मतलब 79 डेज हो चुके हैं मैंने सीमन रिटेन करके रखा हुआ है। आज ना यार कमाल का दिन है, मतलब गजब का दिन है। अरे मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा था जिनको देख के लिटरली मुझे काफ़ी हंसी आई, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ब्रह्मचर्य, तो मेरे संग कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे ऐसे लगने लगा था मैं अमर हूँ यार। मतलब गजब की पावर आ जाती है ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि यार आप ना अभी हेलुसिनेशन में जी रहे हो। जब उसके बाहर आप निकलते हो ना, तो आप नॉर्मल लाइफ में आते हो, आप ज़िंदगी को समझते हो अच्छे से। और हेलुसिनेशन क्या होती है मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने मंदनअप की वीडियो देख ली, उसमें 3D एनिमेशन से आपको कुछ दिखाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ें हो रही हैं, आपकी पावर ऊपर उठ रही है वगैरह वगैरह। लिटरली गाइस ये हेलुसिनेशन स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि माइंड जो देखता है वो उसके बारे में वैसे ही सोचता है। मुझे भी हुआ था कभी कभी, तो ऐसा लगता था कि मतलब मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। और ऐसे आज मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें भी लड़के को शायद ये प्रॉब्लम है अभी हेलुसिनेशन की। अब यार वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा उस चीज़ से, तो लिटरली ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब उसे कोई हेट करे या कुछ करे। होता है, प्रॉब्लम होती है। देखो मेरे को भी हुई थी, मैंने ये हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम मतलब पब्लिकली किसी को नहीं बताया, मुझे होती थी, मैं प्राइवेट रखता था। पर आजकल के बच्चे कुछ ऐसे मैं देख रहा हूँ जो मतलब उनको कोई डर नहीं है कि फैमिली क्या सोचेगी या रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। और जब उन्हें यह एहसास होता है कि यार हम हेलुसिनेशन में जी रहे हैं, उसके बाद जब मतलब वो नज़र नहीं मिला पाएंगे यार फैमिली वगैरह से, तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है यार आज की जनरेशन के लिए। और कोशिश करूँगा आप लोग उनसे दूर रहो, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बेकार हो सकती है अगर आप इस सिचुएशन पड़े हो जब आप नो फैब जर्नी पे हो ना। तो लिटरली अपने आप को कम से कम एक साल तो दो, जैसे मैंने अपने आप को एक साल दिया, फिर उसके बाद मैंने नॉलेज वगैरह पाके अब मैं कायदे की जनरी स्ट्रीक पे हूँ और मुझे पता है कि हाँ मुझे अब क्या करना है और कैसे कैसे मेरे साथ हो सकता है। तो जो स्टार्टिंग में हेलुसिनेशन आती है ना, उससे अपने आप को दूर रखो यार। ये मत सोचो कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास भगवान की पावर आ गई है, या मैं भीष्म पितामह बन चुका हूँ, या मैं कृष्ण बन चुका हूँ। वो अपने टाइम पे थे, आप अपने टाइम पे हो, आप मॉडर्न एरा पे जी रहे हो। पर आप बहुत लकी हो कि आप इंडिया से हो, आपको एशियंट ज्ञान प्राप्त है जो हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो उनका यूज़ करो। पर उनके जैसे बनना वो इस समय हो ही नहीं पाएगा गाइस। लिटरली कलयुग चल रहा है, उसमें ज़्यादातर जो जीत होती है वो अधर्म की ही है, और ये भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं एक्चुअली। और जो उनके साथ में, जो धर्म के साथ में है, वो जीतेंगे। लेकिन लिटरली ऐसा नहीं है कि वो, अब मैं इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ख़राब लग जाए, पर देखो सच्चाई तो ये है गाइस, जो मतलब होगा, जो इस पृथ्वी में लिखा हुआ है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन आप हेलुसिनेशन में करके ये एम्स मत बनाओ। देखो अगर आप हेलुसिनेशन में जी रहे हो ना, तो हाँ मॉम डैड से ये बिल्कुल मत कहो कि मतलब मेरे को ब्रह्मचर्य जीवन जीना है या फिर मैं भगवान श्री कृष्ण वगैरह वगैरह। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप देखते हो तो आपके मन में ये आता है ना कि मेरे को दुनिया बदलनी है एक्चुअली, मैं आप चाहते हो कि मैं दुनिया का वो महान इंसान बन जाऊं जो दुनिया चेंज कर सके। एक्चुअली लिटरली गाइस आप नहीं कर सकते हो। और इस बात पे आके अगर आप मतलब इस बात पे अगर आप चल रहे हो और ये आपकी सोच है, तो देखो स्टार्टिंग में हो सकता है वो हेलुसिनेशन की वजह से, पर बाद में यार ये लिटरली सही हो जाएगी। और इसको ज़्यादा पब्लिकली मत करो, अपना कहीं मजाक मत उड़वाओ। लिटरली अगर कर भी रहो अपने अंदर तक सीमित रखो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अपने अंदर तक सीमित रखोगे ना, तो वो एक गजबी पावर देगा आपको जो आप सोच नहीं सकते हो। काफ़ी ऐसे लोग देखे यार जिनकी दुनिया बाद में मजाक उड़ाती है ना, तो वैसा मत बनो। आपको पता है आपके पास वो नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज़ करो, उस नॉलेज को जनरली यूज़ करो, पर इंटरनली यूज़ करो, है ना। आउटसाइड को मत दिखाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो दोस्तों मत बताओ, लिटरली बताने की ज़रूरत नहीं गाइस। अगर आप बता रहे हो ना, तो आपका मजाक कहीं ना कहीं उड़ेगा। आप एक कह सकते हो, जैसे मैं यार काफ़ी मॉडर्न स्कूल से बिलोंग करता था, तो अगर मैं अपने दोस्तों को वो बात बताऊँ तो एक्चुअली मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये हो गई। देखो हर किसी की लाइफ अलग होती है,
हर किसी का कर्म अलग होता है, हर किसी को जो भगवान ने दिया है वो अलग है। आप किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आपके जो साथ में है उनकी लाइफ जो चेंज होगी वो भी भगवान पे छोड़ो यार, क्योंकि आपके पास इतना माइंड है ना, उससे लाख करोड़ इन्फिनाइट गुना ज़्यादा गॉड के पास माइंड है। उन्होंने वो माइंड दिया हुआ है हर इंसान को, वो उस हिसाब से काम करेंगे। आपको अगर नेचर ने किसी और चीज़ के लिए बनाया है तो आप किसी और चीज़ के लिए अपना टाइम दो। आप किसी को बदलने के लिए, किसी की लाइफ बदलने के लिए अपना ज़्यादा एफर्ट मत डालो, वरना आपकी लाइफ लिटरली ख़राब हो जाएगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। जितने भी मेरे छोटे भाई हैं ना, मैं उन सबको यार कहना चाहता हूँ, हेलुसिनेशन में ना जियो। अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, जब आप बड़े होगे ना तो इस चीज़ को समझोगे कि यार जब कोई मजाक उड़ाएगा ना तब पता चलेगा आपको कैसा लगता है। तो अभी ही सुधर जाओ तो अच्छा है आपके लिए। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, मौज करो, और लिटरली लाइफ में ना खुशी खुशी जियो यार। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस से पालन करना है। देखो, स्ट्रिक्टनेस सिर्फ आपके लिए इतना है कि आपको पॉर्न नहीं देखना है, मैस्टुब्रेशन नहीं करना है, और गैसम नहीं लाना है। और जो आपको रूल फॉलो करने हैं, वो पहला रूल ये है अपने पीनस को टच नहीं करना है। दूसरा रूल ये है कि कहीं ना कहीं अपने जो पावर है वो भगवान पे डिवोटेड रहना है। और तीसरा रूल, जो सबसे खास रूल है ब्रह्मचर्य में, वो है कि अपने सीमन को जितना हो सके रिटेन करके रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो लिटरली आपके सीमन को बाहर निकाले या निकलने मदद करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नशा वशा से दूर रहना है। ये लिटरली ब्रह्मचर्य का एक वो है, जो आदत जिसको नहीं है बहुत अच्छा है, मेरे को है, और धीरे धीरे आदत कम हो रही है, और ये नोफैप से हो रही है। नोफैप कमाल की चीज़ है यार, लिटरली कमाल की चीज़ है। अच्छे अच्छों को चेंज कर सकता है नोफैप, अगर आप एक जेन्युइन लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, एक जेन्युइन, एक मॉडर्न, एक फैंटास्टिक फैबुलस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो ना, तो इस चीज़ में। और नोफैप कमाल की चीज़ है। कम से कम 5 साल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार, देखो जब किसी के अंदर कोई आग होती है ना, तो उस आग को बाहर निकालना चाहिए, है ना, उस आग को बाहर निकालना चाहिए। पर ऐसा मत निकालो कि आपका कोई मजाक उड़ाए, समझे ना। आग को बाहर, आग को निकालना है तो स्टडी में प्रिपेयर करो, या फिर अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। ये नहीं कि मेरे को इसको चेंज करना है या मेरे को उसको चेंज करना है, ना। खुश रहो, आबाद रहो, लाइफ में सक्सेस पाओ, भगवान से डिवोटेड रहो, और नोफैप जर्नी को बरकरार रखो। मेरा 79th डे है, आपका कौन सा डे है मुझे लिटरली कमेंट में बताओ। ओके, बाय, लव यू।